हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले बीकॉम का फर्स्ट ईयर का सिलेबस फॉर पुणे यूनिवर्सिटी, जो सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी थे उसका जो बीकॉम होता है उसके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे, इसी के बारे में आज हम जानने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सेमेस्टर पहला होता था यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपल्सरी इंग्लिश होता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका पार्ट वन होगा। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट वन होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है उसका भी पार्ट वन यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका भी पार्ट वन होगा। और उसके बाद फाउंडेशन कोर्स इन कॉमर्स, तो ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर होता है तो वहाँ पे जो आपको सबसे पहले कंपल्सरी इंग्लिश का जो पार्ट टू है वो होगा। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, इसका भी पार्ट टू आएगा। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का पार्ट टू, उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन होगा, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मराठी और हिंदी, इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो और अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो। तो ये सब्जेक्ट होते हैं अगर आप जो बी कॉम करते हैं पुणे यूनिवर्सिटी से। तो अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हमेशा वहाँ पे रिप्लाई देते रहता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।